तो ये बात है उस वक्त की जब मैं अपनी माइनक्राफ्ट गेम स्टार्ट कर रहा था और हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और कुछ इस तरीके का मेरे साथ सीन हुआ जो जोगिंदर ने भी नहीं सोची होगी। तो अभी देखते हैं कि होता क्या है और ये सबसे पहले गेम क्यों नहीं स्टार्ट हो रही। गेम स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को नहीं मैं कोई कसम नहीं दे रहा, बस ये कह रहा हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब आप लोग कर दो, ठीक है ना। मेरी लिबर्टी सिटी ये रही। अंदर जाते हैं हम लोग गेम में। हो जा ओके। ओ अच्छा नहीं कुछ नहीं। तो मैं जब अपनी तैयारी करके अपने टूल्स पकड़ के कुछ तो काम करने जा रहा था और हाँ ये जो आप लोगों को ज़ॉम्बी एग दिख रहे हैं कुछ वजह से हैं, तो प्लीज़। और हाँ ये मेरे क्रिएटिव ने लिए हैं, तो प्लीज़ गाइस आप लोग कोई भी मुझे कमेंट नहीं करना इस मामले में कि तुम चीटिंग कर रहे हो ये है वो। देखो भाई ज़ॉम्बी एक क्रिएटिव से मिलते हैं, ऐसा ही होता है, तो इसीलिए कोई बात नहीं करने का। तो अभी मैं बाहर जा ही रहा था, अपना विलेज एक्सप्लोर कर ही रहा था। गाइस मैं ज़ॉम्बी स्पॉन करने वाला हूँ, प्लीज़ समझ जाओ यार क्या है। तो एकदम से मेरे सामने ज़ॉम्बी दो आ गए और मैंने उनको मारा। और मैंने सोचा ये नॉर्मल ज़ॉम्बीज होंगे, मैं यहाँ से ये भी कलेक्ट करने लग गया जल्दी जल्दी क्योंकि भाई खाना चाहिए मुझे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए खाना। तो मैं खाना कलेक्ट कर ही रहा था कि मेरे पास 3-4 ज़ॉम्बीज आ गए और फिर मैंने सोच लिया कि इनको भी मारने का टाइम आ चुका है। ओके तो ये मर चुके हैं एंड अभी मैं अपना ये स्टार्ट करता हूँ लेना। और मैं हीबल कलेक्ट कर ही रहा था कि 4 ज़ॉम्बी मेरे सामने और आ गए। मैं समझ चुका था कि ये ज़ॉम्बी अपोकलिप्स ऑफ माइनक्राफ्ट का part 1 है और अब समझ आ गई थी मुझे कि अब टाइम आ गया है इस विलेज को बचाने का क्योंकि ये विलेज मेरी जान है, आन बान शान है। ओके तो हम लोगों को सबसे पहले जाके अंदर तैयारी करनी होगी, अपने वीट बनाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी से हम लोग कर लेते हैं, म्यूजिक भी स्टार्ट कर लेते हैं। ओके तो मुझे समझ आ गई थी कि मैं वीट मुझे बनाने नहीं आते और बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। अब बस मेरे पास से कैरेट बची है खाने के लिए जो कि बहुत ज़्यादा गंदी बात है यार, कैसे बनाते हैं भाई, लोग बेइज्जती करेंगे मेरी क्या यार भाई, माइनक्राफ्ट पर रेसिपी नहीं देख सकती हद हो गई अल्लाह की कसम यार। ठहरो क्या मुझे सब जगह एक एक रखनी है जहाँ तक मेरा ख्याल। नहीं इस तरह नहीं करना है, मुझे ब्रेड बनानी है भाई। ब्रेड कैसे बनाते हैं ब्रेड? ओके बन रही है, यस ओ माय गॉड इतनी सारी ब्रेड, जल्दी जल्दी ले लो, जल्दी जल्दी म्यूजिक स्टार्ट कर देते हैं। ओके अब हम रेडी हैं ज़ॉम्बी से फाइट करने के लिए, आर यू रेडी? तो हम लोगों ने सब ज़ॉम्बीज को मार लिया है एंड अभी टाइम आ चुका सोने का। ओके सोने से पहले मैं ऊपर नहीं कुछ नहीं चलो अब हम लोग सोते हैं।
सब ज़ॉम्बीज का खात्मा करने के बाद आज मैं बहुत ज़्यादा उस रात में खुशी की नींद सोया कि सब ज़ॉम्बीज का खात्मा हो चुका है। एंड मैं जैसे ही गया बाहर, मुझे 3 ज़ॉम्बीज और दिखे जिनको मारने का वक्त आ चुका है। ये लो, सबसे पहले हम लोग खाना खा लेते हैं। आप लोगों को तो पता है गाइस, और अगर मिड पैट सर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई मैं उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास आपसे ज़्यादा खाना है। जब आपने माइनक्राफ्ट की सीरीज शुरू की थी ना तो आपके पास इतना भी खाना नहीं, तो मेरे पास आपसे ज़्यादा है। प्लीज़ कोई हेट मत करना मिड पैट के फैंस, आई एम जस्ट जोकिंग। आप लोग जितने भी मिड पैट के फैंस हैं ना भाइयों, बहुत ज़बरदस्त काम है तुम लोगों का। आई नो मैं पाकिस्तानी और वो इंडियन है, लेकिन यार मेरे में ऐसा नहीं है कि इंडियन ऐसा नहीं करता मैं। तो सब विलेजर्स को घर में भेज रहे, भाई मैं विलेज को बचा क्यों रहा हूँ, कोई भी बंदा नहीं है इधर। तो चलो भाई, और ज़ॉम्बीज, समझ चुका था कि ये लोग तो खुद जल बल के मारेंगे, मैं भागता हूँ। ये आउच, ओके बाबो, भाइयों गाना पॉज करो पहले। ओके मैं समझ चुका हूँ, ये लोग तो खुद मर जाएंगे। ओके ओ आर्मर वाली ज़ॉम्बी, अच्छा बेटा चलो, अच्छा आर्मर मिल गया मुझे लेदर का। यार नहीं मैं नूब नहीं हूँ यार, नहीं पहनेंगे हम ये। बिल्ली तुम दफा हो जाओ यहाँ से। ओके वीट हम लोगों को मिल चुका है, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम लोगों ने ज़ॉम्बीज को मार गिराया। यस, अबे बेड को तोड़ दिया मैंने, अबे यार बहुत गलत हुआ। अबे बेड चाहिए मुझको, बेड चाहिए रे, लगाओ इधर बेड। एक सेकंड गाइस, बस ठीक है भाइयों, मैं एडिट नहीं करना आता मुझे बहुत ज़्यादा, प्लीज़ बुरा मत मानना। तो बस यार हमने यहाँ ज़ॉम्बीज का खात्मा कर दिया। ओह माय गॉड, मेरे घर में ज़ॉम्बीज, ये लो तुम्हारी, आई आउ, ये लो आउच। अब यार मार क्यों रहे हो मुझे, 2 मिनट ठहरना, बहुत बड़ी गलती हुई भाई। ओह माय गॉड, ओह माय, ओह अबे और आगे नहीं, मैं आधे हाथ पे हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि इब्राहिम नवीद के साथ क्या हुआ आगे, इसके लिए इंतज़ार किए अगले एपिसोड का। तब तक के लिए